हेलो, वेलकम बैक हो गया आप सबका वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो शुरू करने से और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वर्ल्ड कप आप देख ही रहे हैं, जो आपका वर्ल्ड कप हो रहा है, जैसे हो रहा है। आज का मैच भी आपने देख ही लिया है, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान। और यार क्या हो गया है यार इंडिया को, यार इतना ब्रूटल उसको उस अफगानिस्तान को उन्होंने मारा है, इतना मारा, इतना ब्रूटली मारा है। इतनी जल्दी मैच खत्म कर दिया। अभी तो मैच शुरू हुआ था, अभी तो टारगेट चेज हुआ ही था, तो इंडिया ने मैच खत्म कर दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। रोहित शर्मा, क्या बात है यार, यू ब्यूटी यार, क्या खेला है रोहित शर्मा ने आज। 131 रन की इनिंग, 5 छक्के, ओ वाह, कमाल है यार, व्हाट आई इनिंग्स यार। खैर, अफगानिस्तान ने भी जो जिस तरह से अफगानिस्तान ने आज खेल किया, तो उन्होंने अपने वर्ल्ड कप का सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया, जो कि 272 रन का था, और जिसमें कप्तान हशमतुल्ला ने 80 रन की इनिंग्स खेली है, और बुमराह ने उनकी 4 खिलाड़ी आउट किए अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान ने 272 का स्कोर किया, लॉस्ट ऑफ 7-8 विकेट्स, और क्या कहते हैं, कैपिटलाइज किया इंडिया ने, काफ़ी उनको दबा, मैच में दबा के रखा, यहाँ पे स्कोर भी उन्होंने किया। पर जो अफगानिस्तान है, उस मैच को जैसे उनको खेलना चाहिए था, खेल बैटिंग में तो उन्होंने खेला, पर बॉलिंग में नहीं, वो ऐसा भी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। और इंडिया ने टारगेट सिर्फ 35 ओवरों में पूरा कर लिया, जिसमें से रोहित शर्मा ने 131 रन बनाए, और विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली, 55 रन नॉट आउट, और श्रेयस अय्यर ने 22 रन नॉट आउट से इनिंग के लिए। सो फार जो आपने देखा है, जो मैच का जो हुआ है, जो इंडिया ने तो बहुत ही क्या कहते हैं, मैच को जल्दी फिनिश किया, और अपने पॉइंट्स पे, टेबल्स पे दूसरे नंबर पे आ गई है। और जो जहाँ तक का मैच का ताल्लुक है, बस जो मैं ये कहूँगा, आगे वाले मैच जो बेहतर होते जाएंगे। अब जो अपकमिंग नया मैच आ रहा है, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का है, सैटरडे को, हफ्ते वाले दिन, 14 अक्टूबर को, ये एक वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए, और ये ख़तरे की घंटी भी है, क्योंकि इंडिया ने जैसे आज फॉर्म दिखाई है, कमाल फॉर्म दिखाई है इंडिया ने, कहीं भी अफगानिस्तान को संभलने का मौका नहीं दिया। बेशक उन्होंने अपनी बैटिंग में किया, 272 स्कोर कर ही लिया, अपने वर्ल्ड कप का हाइएस्ट टोटल चेज उन्होंने बनाया, पर उस हाइएस्ट टोटल को वो विनिंग टोटल में नहीं कर सके, जिसकी वजह से इंडिया ने उनको आराम से इसका टारगेट चेस कर लिया। बॉलिंग में अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान ने 2 खिलाड़ी आउट किए, पर ये जो इंडिया की जो स्ट्रेटजी है कि कम ऑन हार्ड ऑन एवरी टीम, जो ये आपको पता है, ये पिचेज ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है बैटिंग पिचेज हैं ज़्यादातर, बॉलर्स के लिए तो खास ज़्यादातर मदद की कोई हेल्प नहीं है इसके ऊपर, यहाँ पे बैटर्स ही अभी तक छाए हुए हैं, और स्कोर आपको पता है एवरेज हर मैच में 300+, 350+ स्कोर जा रहा है, कहीं पर तो 400 भी बना है। तो अब देखते हैं अब क्या बनते हैं, तो आगे देखते हैं। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।